हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन अंकिल? एक सेकंड दादाजी। रहा हूँ आ रहा हूँ अंकिल। हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ बैठे दादाजी। दादाजी पानी ऐसे कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं दादाजी, गाने का रियाज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रियाज कर ले। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चल रहा है, क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है। तेरे को एग्जांपल देता हूँ दादाजी। जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाने बोल रहे, जाना गुसल खाना। दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग, हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी मना दे, पानी पिला दे जल्दी। गला क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखा नहीं देता, चश्मा पकड़ा वो रखो, चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांगने। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? तोड़ दू मुंह बोले ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह दादाजी, इतना भला बूढ़ा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को नहीं तो पमगम घर से रपटा मार के नीचे। गंदा बोल रहे ना दे, गाली गाली ना दे। फोन कट गया। फोन कट दिया अंकल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू, शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा बर्फी जलेबी रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इसमें बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है गठजोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार? इसी बात के लिए, इसी बात के लिए। एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया एक बार फिर से बुला। बैरागी कौन? बैरागी कौन? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप। हाँ। भाई साहब पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन सुन, जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, फालतू जिम्मेदारी। छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा जल्दी, प्लीज अगर मैं खाली पूरे दिमाग। जल्दी कर, इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को, शादी को लड्डू क्यों कहा गया, लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे। पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा? खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था, टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा, पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसा कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली। भाई साहब आप हैं लाइन पे? छोटा सा ब्रेक, लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी को छोटी मोटी चीज नहीं, सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है भाई साहब आप हैं लाइन पे? लाइन पे तो प्लानिंग की जाती थी।